बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू न्यू कैट ट्यूटोरियल। पिछले ट्यूटोरियल के अंदर हम सरफेस फिलर्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सरफेस फिलर के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन हमारे स्केचेज इसके अंदर थोड़े से डिफरेंट होंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले वर्क प्लेन सेलेक्ट करना है और इसको ज़ीरो पर प्लेस कर देना है, ज़ीरो एंटर से। अब आप इस वर्क प्लेन के ऊपर डबल क्लिक करके इस वर्क प्लेन को आप ट्विस्ट कराएंगे एक्स के अलोंग -90। ओके। अब इसके बाद आप वायर फ्रेम के अंदर एक फुल सर्कल सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद आप इसको प्लेस करेंगे ज़ीरो स्पेस 42 पर। इस सर्कल का रेडियस आप 7.5 रखेंगे और इसको ओके कर देंगे। इसके बाद आप एक सिंगल लाइन सेलेक्ट करेंगे, उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आप एक्स में 2 मिलीमीटर रखेंगे। उसके लिए आप 2 एंटर करके उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर लें और इस लाइन को यहाँ तक आप एक्सटेंड कर दें। फिर एक और लाइन, सिंगल लाइन लें और इंटरसेक्शन पॉइंट इसका सिलेक्ट करें। यहाँ से इस लाइन को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एक्सटेंड कर दें। उसके बाद आप एडिट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे इंटरेक्टिव कमांड सेलेक्ट करेंगे और इसको ट्रिम कर देंगे। उसके बाद आप वायर फ्रेम के अंदर आएंगे, यहाँ से हम फिलेट सेलेक्ट करेंगे और इसका रेडियस हम आर स्पेस 2 करके 2 मिलीमीटर का हम यहाँ पर रेडियस देंगे। इसके बाद हम इस लाइन को मॉडिफाई करेंगे और इसकी लेंथ जो है इसको 2 तक लिमिट कर देंगे और इसके बाद इसको ओके कर देंगे। इसके बाद हम कंपोजिट कर्व में जाएंगे और इसको कंपोज करेंगे, सेव करेंगे, एग्जिट कर देंगे। अब हम इसको रेवोल्यूट कराना चाहते हैं अलोंग जी एक्सिस, तो यहाँ से प्रिंसिपल प्लेन जी सेलेक्ट कीजिए, सरफेस के अंदर जाकर रेवोल्यूशन के ऊपर क्लिक करें। तो ये ऑटोमेटिकली हमारा जो स्केच था उसको रेवोल्यूशन मिल गई। अब इसके बाद हम एक वर्क प्लेन लगाना चाहते हैं जो कि इसके टॉप के ऊपर आए, तो उसके लिए आप कमांड बार के अंदर 0 स्पेस 0 स्पेस 44 एंटर कीजिए, ये ऑटोमेटिकली उसके टॉप के ऊपर प्लेस हो जाएगा। इसके बाद आप सरफेस के अंदर जाकर स्फीयर सेलेक्ट करेंगे और इसको 0 पे प्लेस कर देंगे। 0 पे प्लेस करने के बाद इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको मॉडिफाई करें और इसका रेडियस जो है वो आप 7.5 रखेंगे, ओके कर दें। अब आप एडिट के अंदर जाकर पहले आप इस वर्क प्लेन को सिलेक्ट करें, उसके बाद आप यहाँ से सिलेक्शन सेलेक्ट कीजिए। सिलेक्शन सेलेक्ट करने के बाद आप हमारा जो स्फीयर का नीचे वाला हिस्सा है उसको हम ट्रिम करने जा रहे हैं, तो उसके नीचे वाले हिस्से को आप यहाँ से सिलेक्ट करें और इसको कैंसिल कर दें। तो अब आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो स्फीयर था उसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया, ट्रिम हो गया। मैं फिर से इसका वायर फ्रेम शेड ऑन करता हूँ। अब वायर फ्रेम के अंदर जाएंगे, यहाँ से हमने एक सर्कल सेलेक्ट करना है, उसको आपने वाई के अलोंग लगाना है। तो उसके लिए आप प्रिंसिपल प्लेन, जो हमारा प्रिंसिपल प्लेन है, उसको वाई को आप सेलेक्ट करेंगे और इसकी जो प्लेसिंग डायमेंशन है वो हमारे पास इस तरह है कि हम इसको एक्स के अंदर 20 मिलीमीटर तक लगाना चाहते हैं। तो इसके लिए आप 20 एंटर कर दें। इसका जो रेडियस है वो हमारे पास 4 मिलीमीटर है, इसको ओके कीजिए। इसके बाद आप एक सिंगल लाइन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे जो कि माइनस जी के अंदर 2 मिलीमीटर नीचे होगी, तो उसके लिए आप प्लेसिंग डायमेंशन के अंदर 0 स्पेस 0 स्पेस -2 लिखेंगे और एंटर कर देंगे। इस लाइन को आप, ये जो डॉटेड लाइन है, इसके अलोंग यहाँ तक ले आएंगे। इसके बाद आप इस सर्कल को क्लिक करेंगे और इसकी जो आर्क लेंथ है उसको कंट्रोल करेंगे, इस डॉट को पकड़कर आप यहाँ तक ले आएंगे और इस डॉट को पकड़कर आप एक्सटेंड करेंगे, तो इस फॉर्म के अंदर आप इसके अंदर 90 लिखकर एंटर कर देंगे, -90 लिख के
सॉरी, इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हम एक सिंगल वायर फ्रेम लगाते हैं और उसको हम यहाँ तक लगा के बाकी जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम ट्रिम कर सकते हैं। एडिट के अंदर जाएं, इंटरेक्टिव कमांड सेलेक्ट करें, इसको यहाँ से ट्रिम कीजिए, यहाँ से इसको ट्रिम कीजिए, ये ट्रिम हो जाएगा, ये ट्रिम हो जाएगा और हमारा ये वाला हिस्सा ट्रिम हो जाएगा। अब इसके बाद हम वायर फ्रेम के अंदर जाकर फिलेट सेलेक्ट करेंगे और ये जो हमारा एज है यहाँ पर हम 20 का रेडियस देंगे, तो उसके लिए आर स्पेस 20 एंटर कीजिए। फिलेट सिलेक्शन फर्स्ट, फिलेट सिलेक्शन सेकंड, तो ये हमारा एक वायर फ्रेम जनरेट हो गया। अब हम कंपोजिट कर्व के अंदर जाकर इसको कंपोज करेंगे, इस एरो को क्लिक करके हम इसकी सिलेक्शन को कंप्लीट करेंगे, सेव करेंगे और एग्ज़िट कर देंगे। अब हमने इसको इसकी रेवोल्यूशन करानी है अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहाँ से हम एक्स एक्सिस को सिलेक्ट करेंगे और सरफेस के अंदर जाकर रेवोल्यूशन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो इस तरह ये हमारी रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गई। अब आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके रिवर्स कर देंगे तो हमारी जो इंटरनल सरफेस थी वो बाहर आ गई। अब मैं इसको हमारा जो एक्सिस है इसके अलोंग, इसके जो हमारी ये को हमारा जो ये बना है नोब बनी है इसकी कॉपी लेना चाहता हूँ इक्वल डिस्टेंस के ऊपर, तो उसके लिए आप एडिट के अंदर आएँ और यहाँ पर आप प्रिंसिपल प्लेन जी सेलेक्ट करें और यहाँ से पैटर्न के ऊपर आप क्लिक करें। पैटर्न में आप सर्कुलर के ऊपर जाएं और यहाँ पर आप नंबर ऑफ़ कॉपीज़ जो हैं वो 4 कर दें और इसको ओके कर दें। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने इजीली जो हमने एक वायर फ्रेम और एक मॉडल बनाया था, स्केच बनाया था, उसको हमने इजीली उसकी कॉपी ले ली इक्वी डिस्टेंस के साथ। अब चूँकि इसके अंदर हमारा कुछ सरफेस का कुछ एरिया हमारा अंदर पड़ा हुआ है, हम इसको भी रिमूव करना चाहते हैं और इन एजिस को हम फिलेट भी देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप शिफ्ट दबाकर हमारे स्फीयर को सिलेक्ट करें और साथ में आप ये जो हमने रेवोल्यूशन कराई थी नीचे इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पर फिलेट सरफेस के अंदर आप फिलेट को सिलेक्ट करें, तो आप देख सकते हैं कि प्राइमरी हमारी सिलेक्शन जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद आप सेकेंडरी सिलेक्शन की तरफ जाएं और शिफ्ट दबाकर ये सारी की सारी नॉब जो है इनको आप सिलेक्ट कर लें वन बाय वन। यहाँ पर आप रेडियस 2 ही रहने देंगे और यहाँ से आप कनकेव ही रहने देंगे, इसको प्रीव्यू करें तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सरफेस की लाइन जो फिलेट की लाइन है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुकी हैं। अब आप इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा फिलेट भी अप्लाई हो चुका है और साथ ही साथ हमारी जो अंदर वाली सरफेस थी ऑटोमेटिकली ट्रिम हो गई हैं। तो इस तरह आप फिलेट के मुख्तलिफ इस्तेमाल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिलेट कमांड। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, बाकी इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।